12 बज रहे हैं और 12 बजे पर बिल्कुल सेंटर पे जिसे कहते हैं ना सूरज है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमें ना ब्रेक लेने पड़ रहे हैं, आप सभी को बता दूं, सभी को जिसे कहते हैं देखो कोल्ड ड्रिंक लानी पड़ रही है और पीनी पड़ रही है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा अभी का टेम्परेचर ये कम से कम 40 प्लस है इस टाइम का टेम्परेचर और गर्मी बहुत है, और 43 टेम्परेचर है इस टाइम पर, और उस टाइम पर यू नो थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेके पानी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ रही है हम सबको, जो लेबर है, जो मिस्त्री है उनको भी जैसे कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बीच उसमें काम कर रहे हैं। अब हम बरसात के बहुत नज़दीक है, बरसात के बहुत नज़दीक है। इनका कहना है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम चूक गए तो हमारे यहाँ पे जो अभी तक करी हुई मेहनत है वो काफ़ी हद तक बेकार हो जाएगी। आपसे मैं दोबारा से ये कहूँगा कि ये टाइम अभी सेवा का है, क्योंकि ब्रज में आप कहीं और सेवा करना चाहे, चाहे किसी भी स्थान में, आप पूरे साल सेवा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, लिमिटेड टाइम है, बस 10 से 10-12 दिन बचे हुए अब हमारे पास में, तो प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा मोतीकुंड के कार्य के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी के साथ मैंने कहा था कि मैं आपको बहुत जल्दी एक अपडेट दूंगा मोतीकुंड से, और मोतीकुंड में जो जो काम होगा वो सब आपको मैं आगे दिखाऊंगा। अभी आपसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो रेड स्टोन है वो जितने लगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी हद तक जो हमारी रूपरेखा है कुंड की जिसमें पानी रहेगा वो आपको सामने दिख जाएगा। प्रभु कृपा से हम लोग यहाँ पर आए हैं आज मॉर्निंग में, और आने के बाद जैसे हमने जो देखा है वो बहुत संतुष्टि वाला मुझे काम लगा है, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ उस चीज़ को देख कर, और आप सबको भी दिखाना चाहूँगा। पहले आप सामने से देखिए, ये देखिएगा आप, जितने रेड स्टोन है ना ये सारे लग चुके हैं, और हमारे साथ जो सीनियर सर है टेक्निकल टीम के, जो हमारे सीनियर सर है शिखर सर, वो साथ में हैं, और मेरे जो आर्किटेक्ट हैं वो भी साथ में हैं, कंसल्ट कर रहे हैं आपस में और डिस्कशन करके, यू नो वो मिस्त्री को भी उन्होंने गाइड करेंगे अभी कि किस तरीके से यहाँ पे वो काम होगा, और यहाँ पे कंक्रीट की फिलिंग होगी। जितने भी आप बैग्स देख रहे हैं, इस पोर्शन पर पानी हमेशा रहेगा, हमेशा पानी रहेगा इसमें, और बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हुए देखकर, एक कुंड की पूरी रूपरेखा हमारे सामने आ चुकी है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं वो ये स्टोन जो लगे हुए हैं स्टेयर, इसको क्यों यहाँ पे ऐसे घुमाया गया है ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में सर से पूछ के। ऐसे ही यहाँ इस वाली वॉल की लेंथ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको दो जगह दिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस 50 फीट का है, तो यहाँ पे एक वो दिखेगा आपको, अभी भी वही चीज़ है, देखिए जहाँ पे सर का पैर धंसा था वहाँ पे अभी भी। आप सबकी जो सेवा आप हमें देते हैं वो प्रभु कार्य में मैं किस प्रकार बताऊं कि इस प्रकार लग रही है कि आपके समक्ष ये कार्य पूरा होने को आया है। बस जो अब यू नो कंक्रीट होगा, जो हम मिक्सर मशीन से जो कंक्रीट तैयार किया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे फिलिंग होनी रह रही है। बस वो फिलिंग होने के बाद में यू नो ये बिल्कुल जम जाएगा, पत्थर जितना भी है पूरा पक्का हो जाएगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं बहुत आज जिसे कहते हैं ना दिल से खुश हूँ कि प्रभु ने इस प्रकार ऐसी कृपा की है आप सब के माध्यम से, कि आज हमारे पास में कहाँ पहले हमने खाली JCB चलवाई थी कुंड में, और कितनी परेशानी हमने उठाई, पूरा एक साल हमने इंतज़ार किया लास्ट ईयर, आप सभी को पता है, और आज प्रभु कृपा से हमारे पास वो एरिया आ चुका है। आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर इसकी कॉन्क्रीटिंग हो जाएगी ना बिल्कुल साइडों से, फिर अगर बारिश आती है फिर हमें हमारे पास इतना जिसे कहते हैं ना हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि हमें एक साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो आपको भी सर से बताएंगे हम, वो ऐसा इसलिए भी है कि नीचे अगर पानी भरता भी है कुंड में दोबारा से, और अगर हम यहाँ पे कंक्रीट फिल कर देते हैं और ये पत्थर बिल्कुल जम जाएगा ना, इससे ये होगा कि हम कुंड से पानी निकाल सकते हैं, पानी निकालने के बाद हम काम शुरू कर सकते हैं स्टेयर्स का, जो आगे आगे दोनों साइडों में स्टेयर्स बनेगी कुंड की, और बीच में पानी उतना रहने देंगे जितना कुंड के अंदर रहेगा पानी। तो ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, प्रभु मोती बिहारी जी की ऐसी कृपा से यही उनकी कृपा से काम हो पाया है। बस आप सबसे इतना कहूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सहयोग नहीं आ रहा है और टाइम पीरियड बहुत कम है, उसमें जितना ज़्यादा हम कवर अप कर पाएंगे इस सिचुएशन
सिचुएशन को, यू नो, बारिश से पहले हम इस काम को, जिसे कहते हैं, कंप्लीट कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सहयोग करना इस काम के लिए, मोतीकुंड के लिए। प्रभु, जिसे कहते हैं ना, मोती बिहारी जी की बहुत ज़्यादा कृपा है कि टाइम पर इतना काम हो चुका है। कम से कम 7-8 जने हैं यहाँ पे, जो हमारे मिस्त्री और लेबर यहाँ पे काम कर रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस कार्य के लिए पीछे मत हटिएगा, यहाँ पे काम के लिए आगे आइएगा। और अभी आपको मैं हमारे जो टेक्निकल के जो सीनियर सर है, शेखर सर, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं आगे के स्टेप्स के लिए। तो आगे आपको मैं पहले दिखाता हूँ कुंड, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में उनसे भी मिलाता हूँ। ये चला गया तैयार, चारों तरफ घूम गया, ये इससे डिटेल हो गए थोड़ी बहुत। जब काम करोगे ना तो इस कुंड के अंदर इतना पानी भरा हुआ होगा, इस पानी को निकालना पड़ेगा ना, तो ये पानी ही बच जाएगा और इसके ऊपर आपका काम नहीं चलेगा। पानी के अंदर ही रहेगी, ये तो पानी के अंदर रहेगी। वाटर के राधे राधे सर, राधे राधे सर, राधे राधे। आप सभी को मैं बता दूं, सभी राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। बाल बहुत ग्रैंड हो रहा है सर, आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। और काम काम बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, काफ़ी चीज़ कवरअप हो चुकी है। अभी जैसे ही सर बाल बोग लेते हैं, उसके बाद हम पूछेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, और आपको दिखाएंगे भी सारे अपडेट, अभी आपको मैं आगे दूंगा। जब तक बाल बोग ग्राइंड कर रहे हैं सभी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पत्थर लग चुके हैं। हमारे पास कितने हैं सर? 7 लोग हैं टोटल, 7 से 8 लोग हैं। हमारे मिस्त्री जी हैं, ये बताएंगे कि सुबह कब से और शाम को कब तक काम होता है। बिल्कुल, 6 बजे से लग जाते हैं जी, सुबह 6 बजे से। हाँ जी, और रात को 8 बजे तक करते हैं। फाइनली अब सारे पत्थर लग चुके हैं, आपके सामने हैं, और वो हैं हमारे टेक्निकल सर, और उधर है मेरे आर्किटेक्ट, वहाँ पे हैं सारी लेबर जो वहाँ पे, यू नो, सारी फिलिंग कर रही है अभी बैग्स की, और जो पत्थर हैं उनको लगा रही हैं, जो रेड स्टोन है। और ये फाइनली अब लग चुके हैं हमारे पास में, जो कुंड का बीच का एरिया था जहाँ पे पानी रहेगा, वो सामने आ चुका है। ये दोनों साइड में स्टेयर्स रहेंगी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्टेयर्स इधर से और सामने की तरफ से स्टेयर्स रहेंगी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी आपको ज़्यादा अपडेट देखने को मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट, यहाँ पे रेड स्टोन है जो लग चुके हैं पूरे पत्थर, और आप सामने देख रहे हो यहाँ पे साथ के साथ में जो मिस्त्री हैं और जितने भी हमारे लेबर्स हैं वो यहाँ पे काम कर रही है। सर नीचे हैं टेक्निकल सर के, जो हमारे सीनियर सर हैं शेखर सर, और मेरे जो आर्किटेक्ट हैं वो यहाँ पे पूरी डायमेंशन वाइज आप चेक करें, क्योंकि हम लोग आए हैं आज सुबह मॉर्निंग में, और जो देखा ये सारे स्टोन यहाँ पे जो रेड स्टोन है लग चुके हैं फाइनली। तो अभी मैं सर से भी पूछूंगा कि यहाँ पे कितना काम हो चुका है और क्या क्या अभी रह रहा है काम, वो सारे आपको मैं अभी अपडेट दूंगा वीडियो में आगे। बहुत आनंद आ रहा है ये चीज़ देखकर, यू नो, ये जो सोचा नहीं था वो चीज़ आप प्रभु की कृपा से सामने आ गई, और आप सबकी सेवा इस काम में देख रहे हो बराबर यहाँ पे लगती जा रही है। बहुत आनंद आ रहा है, आप सामने से एक बार फील करो और देखो इस चीज़ को कि जब हमारे सामने ये, यू नो, ये कुंड पूरा बन जाएगा, ये जो मैं आपको से देख रहा हूँ, ये आपको भी फील नहीं होगा कि ये जो जब यहाँ पे बन जाएगा पूरा मोतीकुंड, यहाँ पे पानी रहेगा, इस एरिया में पानी रहेगा। अब ये क्लियर है, ये आप सभी के सामने डिज़ाइन आपको मैं बताना चाहूँगा। स्टेयर्स, जैसे कि उस तरफ से भी स्टेयर्स बनेंगी, और वो जितनी आप मिट्टी देख रहे हो सामने की तरफ में, उसको हम लेंगे फिलिंग के लिए ऐसे इस पोजीशन पे भी और वहाँ पर भी, क्योंकि जितनी मिट्टी है वेस्टेज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रज व्रज है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी इस्तेमाल में लेंगे। और हमारे पास में बीच का एरिया आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। हमेशा के लिए बंद, और यहाँ पे एक काबला चलाएंगे वॉशर के साथ, रोड के तरीके से बंद किया।
तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कुंड यहाँ पे पूरा बन चुका है एक तरीके से। जो नीचे का बेसिक कुंड है ना, उसकी जो वॉल है, जो रेड स्टोन है, वो लग चुका है, यानी कि वो हमारे पास शेप पूरी कंप्लीट आ चुकी है। मेरे साथ जो हमारे साथ जो हमारे टेक्निकल टीम के जो सीनियर सर है शेखर सर, उनसे मैं अभी आपको मिलवाता हूँ और वो बताएंगे आपको किस तरीके से हम क्या टेक्निक और आगे यूज़ कर रहे हैं और कैसे क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा। राधे राधे सर, आप सभी को राधे राधे। सर सबसे पहले तो जो हमने लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था उस टाइम पर जो रेड हमारे जो रेड स्टोन थे वो आधे लगे थे और अब हमारा जो सेकंड विजिट हुआ है उसमें काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो रेड स्टोन जो हमने लगाए हैं और इनमें जो शेप्स हम देख रहे हैं बीच में, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें बताइएगा। देखिए इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, दूसरा आध्यात्मिक तरीके से देखेंगे। वैज्ञानिक तरीका क्या है कि जब हम इसके थोड़ा सा इसको दीवार को जिगजैग फॉर्म के अंदर घुमा देते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और आध्यात्मिक पहलू यह है कि हमारे बिहारी जी भी थोड़े से टेढ़े हैं, इसलिए उन्हें बांका बोला जाता है। और यहाँ पे जो हम इसमें स्पेस देख रहे हैं साइडों में, इसमें कॉन्क्रीट की फिलिंग होगी। हाँ जी, दरअसल क्या है, रूपरेखा तो तैयार हो गई है, अब हमारा इसके अंदर सेकेंड स्टेप है, इसके अंदर पीछे से हम इसके अंदर प्लाई का शटरिंग लगाएंगे और शटरिंग लगाने के बाद इसकी कंक्रीट, इसके अंदर रेनफोर्समेंट और फिर इसकी शटरिंग लगा करके कंक्रीटिंग करी जाएगी, कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी जो कि अपने आप में ब्रिक से ईंटों की जो चिनाई है उससे बहुत मजबूत होती है। Okay. काफी स्ट्रेंथ होती है जो हम देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाना भी चाहूंगा सभी को कि ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, जैसे सर ने बताया कि वो एक तरीके जो यू कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमने बैग्स लगाए हैं जी, ये जो बैग्स हैं ये दोनों साइड में लगे हुए पत्थर के, इसका कारण नहीं, नहीं, दूसरी तरफ जो लगे हुए हैं वो तो हट जाएंगे। अच्छा। तो पत्थर को खड़ा कर बेस देने के लिए, ताकि जो उसका आधार है ये खड़ा हो जाए। जब हम इसकी अभी कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो कॉन्क्रीट से पत्थर चिपक जाएगा और बाकी फिर उसके बाद हम उस बैग को हटा देंगे। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई थोड़ी सी हमारी जो है कॉस्ट कटिंग हो जाए क्योंकि हमारे पास सेवा भक्तों की बहुत, जैसे कहते हैं, बहुत लिमिटेड आ रही है। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आप देख रहे हैं ना, जितने भी बैग्स लग चुके हैं यहाँ पे, कंप्लीट बैग्स लग चुके हैं जितने भी हैं। तो सर यहाँ पे एक चीज़ और बताइएगा हमें कि जब हम इसमें, बारिश का टाइम आने वाला है आपको पता है, तो सामने जो हम देख रहे हैं मिट्टी जितनी भी है जी, तो अगर हम यहाँ पे कंक्रीट फिल करते हैं और ये बारिश के टाइम पर अगर बारिश मिट्टी नीचे आ जाती है जो हम सामने देख रहे हैं, तो उसका क्या, कैसे हम उसको रोकेंगे? देखिए ऐसा है कि अभी जितने हमें पत्थर लगा हुआ दिखाई दे रहा है इस लेवल तक की, तो हम कोशिश करेंगे इसकी कंक्रीटिंग अभी प्रॉपर तरीके से हो जाए। उसके बाद जो आप पीछे वाला पोर्शन देख रहे हैं कि वो जो मिट्टी का माउंड है, जरा वहाँ पे दिखाइएगा, जो मिट्टी का एक बड़ा सा माउंड दिख रहा है वो हमारे पत्थरों से काफ़ी ऊंचा है, तो उस वॉल के ऊपर हम फिर जो बैग्स हैं सैंड के, वो हम उससे मिट्टी को रिटेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मिट्टी बह करके इस कुंड के अंदर वापस ना आए, क्योंकि भक्तों के दान का पैसा है और एक काम को दो बार ना करा जाए, इस चीज़ की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सर बहुत, हमें जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है सारा स्टोन, रेड स्टोन लग चुके हैं और एक तरीके से प्रॉपर शेप आ चुकी है जो पानी की, जिसे कहते हैं ना, जिसमें पानी रहेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि ये पूरी प्रॉपर शेप आ चुकी है कुंड की। और सर यहाँ पे हमारे पास जितने भी पर्सन हैं काम करने वाले, तो कितने लोग हैं अभी करंट, अभी हमारे पास यहाँ पे कभी 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के अंदर 7 आदमी काम कर रहे हैं। तो जिसमें से हमारे पास में मिस्त्री कितने हैं, उसमें 2 मिस्त्री हैं, बाकी की लेबर है, क्योंकि जरूरत तो पड़ती है जी मिस्त्री। बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा सारे वहाँ पे भी काम आपको देखने को मिलेगा, काम कर भी रहे हैं उस तरफ में। मिस्त्री जी एक मिनट आइएगा। बहुत अच्छा लग रहा देखकर कि कुंड की पूरी शेप आ चुकी है, बस इसकी कॉन्क्रीटिंग होनी है जो कि पक्का काम हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास में ऐसा कोई भय नहीं रहेगा कि बारिश का भी, ये सही बात है ना सर? हाँ, दरअसल क्या कि जो अभी बारिश होगी तो जो बेसिक कुंड है, ठीक है ना, पानी तो इससे ज़्यादा लेवल तक आएगा और वो कभी कभी नीचे भी चला जाएगा, लेकिन इस कुंड के अंदर फिर हमेशा पानी भरा रहेगा और हमारा जो आगे का फर्दर वर्क है वो चलता रहेगा। हाँ, उससे है कोई परेशानी आएगी नहीं हमारे को काम करते हुए जी। तो हाँ जी, बोल लीजिए। आ गए, आइए, हम थोड़ा छाँव में आ जाते हैं।
बुल्ले जी, राधे राधे। राधे राधे बुल्ले जी। बुल्ले जी, हमने जो पहले वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, उसमें हमने देखा था कि पत्थर आधे लगे थे, लेकिन आप सबकी, जैसे कहते हैं ना, काम टीम वर्क को देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी जल्दी आपने यहाँ पे सारे पत्थर लगा दिए। तो अभी कितने दिन का काम अभी और है जो इसमें आपको लगता है कि लगेगा? हम बरसात की वजह से अब देखो जल्दी हो जाए तो बढ़िया है, जितने बारिश का टाइम यहाँ पे मतलब नजदीक है। तो ये कि अब ये पत्थर हमने खड़े कर दिए सारे, अब बारिश आ गई तो फिर हमारी ये सारी मिट्टी है ना, वो जितनी मेहनत करी है सब मिट्टी में हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगा फिर, नहीं तो ये जल्दी से जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। जल्दी से जल्दी। तो ये कितने लगभग, वैसे अगर हम यहाँ पे जो कॉन्क्रीट का मसाला वगैरह से, कितना टाइम लगेगा आपको, कितने दिन लगेंगे? 8-7 दिन में हो जाएगा ये कम्प्लीट। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन मार लेते हैं, 10 दिन के अंदर ही मतलब ये सारी यहाँ पे कॉन्क्रीट का काम हो जाएगा, कॉन्क्रीट का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आगे के लिए काम, हम स्टेज पे मूव कर सकते हैं सर। तो ऊपर के लिए काफी काम है, ये थोड़ा काम बरसात की वजह से थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जितने हमने पत्थर खड़े करे नहीं, ये सब नहीं तो बेकार हो जाएंगे सब। बुल्ली जी की सलाह है कि काम बहुत तेजी से हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब हम बरसात के बहुत नज़दीक है, बरसात के बहुत नज़दीक है। इनका कहना है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम चूक गए तो हमारे यहाँ पे जो अभी तक करी हुई मेहनत है वो काफ़ी हद तक बेकार हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेकार हो जाएगी। इनफैक्ट ये सच बात है, मैं आपको सभी को बताना भी चाहूँगा कि जितने भी आप यहाँ पे रेड स्टोन देख रहे हैं लगे हुए, अगर बारिश आ गई तो ऑब्वियस ही बात है कि जितनी मिट्टी है वो नीचे बह के आ जाएगी, और ये जितने भी आप रेड स्टोन देख रहे हैं ये भी गिर सकते हैं और गिर जाएंगे और मिट्टी में दब जाएंगे, उससे दुगनी मेहनत लगेगी इसको निकालने में, फिर वापस हमारा और एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ जितना हो सकेगा इस टाइम पर थोड़ी सी हमारी मदद कीजिएगा कि इसको हम कंप्लीट करा सकें, जो बीच का कुंड का हमारा जिसे कहते हैं ना साइज है, इसको हम यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं इसको हम कवर करा सकें। आपसे मैं दोबारा से ये कहूँगा कि ये टाइम अभी सेवा का है, क्योंकि ब्रज में आप कहीं और सेवा करना चाहे चाहे किसी भी स्थान में, आप पूरे साल सेवा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, लिमिटेड टाइम है, बस 10 से 10-12 दिन बचे हुए अब हमारे पास में। तो प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा मोतीकुंड के कार्य के लिए, डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप हमें सहयोग कीजिएगा ताकि इस काम में कोई भी रुकावट ना आए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सर भी जैसे कहते हैं कोई भी, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, कोई चार्ज सर नहीं ले रहे हैं, हम बस अपनी जैसे कहते हैं प्रभु सेवा में काम कर रहे हैं। आप भी अपनी प्रभु सेवा ज़रूर कीजिएगा इस कार्य के लिए। सर बहुत आनंद आया हमसे, हमें जैसे कहते हैं आपसे जुड़ के। एक प्रार्थना है कि ये हमने तो इसे अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, लेकिन इस आपको भी, आप भी इसे अपना लक्ष्य बना लें और हमारे लक्ष्य पूर्ति में हमारा पूरी तरह सहयोग करें, जितना आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। बस बहुत बहुत आपकी कृपा होगी, बस 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 मैं यही कहूँगा आप सभी से, क्योंकि जैसे कहते हैं जब एक टीम साथ मिल जाती है ना, इस तरीके से भाव हमारे सभी, मैं ये नहीं कहता कि सर, जैसे कहते हैं ना हमारे साथ जो प्रभु की कृपा से, हमारे साथ जो मिस्त्री भी हैं और जो लेबर भी, उनके भी भाव जुड़े हैं प्रभु से, तो सारे जैसे कहते हैं सब प्रभु इच्छा से हो रहा है। और सर से तो जैसे कहते हैं मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि सर ने इतनी जल्दी इतना काम करवा दिया, और सर की जो टेक्निक यूज़ जो स्किल्स है ना आपकी, सर आपको भी जैसे कहते हैं कोटि कोटि नमन, क्योंकि आपने जो स्किल्स यहाँ पे अपनी दिखाई है बहुत। जो आपके आर्किटेक्ट्स हैं वो भी आए थे और उन्होंने भी देख करके अप्रिशिएट करा है कि जी अपने आप में यूनिक काम हो रहा है, जी बहुत अपने तरह का पहला काम है हमारे इनकी जानकारी में, क्योंकि जो हम इसमें टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये खाली सिर्फ अभी पत्थर खड़े हुए हैं, ये पत्थर की कॉन्क्रीटिंग होगी, इनके अंदर होल्ड फास्टिंग होगी, रिटेनिंग वॉल बनी जाएगी, बेस बनेगा, अंदर रेनफोर्समेंट होगा, तो अपने आप में बहुत जल्दी काम होने वाला है, बहुत सस्ता होने वाला है और बहुत टिकाऊ होने वाला है। सबसे बड़ी बात है टिकाऊ होने वाला है कि हमारे जीवन के काफ़ी बाद तक भी आपकी और हमारी सेवाएँ प्रभु के चरणों में रहेंगे। बिल्कुल ये हमें दिख भी रहा है सर, ये जब ये कॉन्क्रीटिंग हो जाएगी इसके बाद तो ये रेड स्टोन बिल्कुल जम जाएंगे, ये हिलेंगे नहीं चाहे बारिश की, फिर हमें भय नहीं है बारिश का, कोई भी नहीं है फिर कोई भय नहीं है। चलिए मिस्त्री जी आप अपने काम जैसे कहते हैं शुरू कीजिए, और सर फिर अभी आपको मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल फिर हम आपसे और भी आगे पूछेंगे। राधे राधे। राधे राधे। फटाफट काम हो जाएगा। बुल्लू जी कैसी लगी मशीन? ठीक है, बहुत बढ़िया है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं नया पीस है, और क्योंकि ये परमानेंट हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए सर ने कहा कि ये आप हमें लेना चाहिए। बिल्कुल ले लीजिए बार बार। बिल्कुल देखिए ऐसा है जी, दरअसल क्या है कि प्रभु सेवा में लगे हुए हैं तो हमारा यही सोचना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को जो उसका मार्जिन जाता है वो भी कुंड की सेवा के अंदर किसी तरह लग जाए, तो हम सब एक टीम की तरह ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना अधिक से अधिक बच सकता है बचाएंगे। बिल्कुल जी, यही रीज़न था कि हमने यू नो रेंट की बजाय हमने खरीदना इसको प्रेफर किया।
ताकि हमारे, क्योंकि अभी तो देखिए अभी तो कुंड का ना कितने पत्थर आएंगे, अभी तो और पत्थर आएंगे, बहुत पत्थर आएगा, ये तो शुरुआत है, तो बेसिक है, जो जमीन जो पानी के अंदर दब जाएगा बाद में फिर कभी दिखाई भी नहीं देगा। बिल्कुल, अभी तो जो ऊपर को जो दिखाई देने वाला काम है वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, वो तो शुरू ही नहीं हुआ बिल्कुल। तो इसके लिए जैसे कहते हैं हमने काफी आगे आपको सारे अपडेट वैसे मिलते रहेंगे। गर्मी इतनी ज्यादा है कि हमें ना ब्रेक लेने पड़ रहे हैं, आप सभी को बता दूं, सभी को जैसे कहते हैं देखो कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ रही है और पीनी पड़ रही है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा, अभी का टेम्परेचर ये कम से कम 40 प्लस है इस टाइम का टेम्परेचर, और गर्मी बहुत है, और 43 टेम्परेचर है इस टाइम पर, और उस टाइम पे यू नो थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेके पानी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ रही है हम सबको, जो लेबर है, जो मिस्त्री है उनको भी जैसे कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बीच उसमें काम कर रहे हैं। उससे क्या आएगा, अगर रोड़ी में दब जाएगा ना, ना तो वो इधर धकने देगा ना उधर को निकलने देगा, समझ रहे हमारी बात? सही हो गया सर, सामने आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा, देखो दो स्क्रूज लग चुके हैं, आप देख सकते हैं उस तरफ में, होल फास्ट कहते हैं इनको सर, होल फास्ट सामने देख सकते हैं, इसी प्रकार के पूरे उसमें लग जाएंगे स्टोन में, और ये कंक्रीटिंग में दब जाएंगे सर, उसके बाद ये अपनी पकड़ पकड़ लेंगे ना, ये स्टेनलेस स्टील के हैं, हमेशा जंग रहित रहेंगे, क्योंकि ये पत्थर पानी में डूबा रहेगा, ये नट बोल्ट भी पानी में डूबे रहेंगे, स्टेनलेस स्टील है, उसका फायदा क्या होता है कि कभी भी जंग नहीं लगेगा, कभी भी लाइफ, पूरी लाइफ, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम से हमारी लाइफ के भी काफी लाइफ बाद तक, काफी लाइफ बाद तक जी। तो आप सामने देखेंगे बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टेप ऐसे ले रहे हैं और आगे लंबे समय तक चलने वाला। इसमें पीछे एक नट और चढ़ा करके दिखाओ, एक नट और लगा दो आगे की बगल, इधर की बगल, इधर की बगल में ले लो, खुले में ले लो, हाँ हाँ डाल दो यहाँ पर, दस बारह चूड़े चढ़ा दो बस। इससे क्या होगा सर? इससे एंकरिंग बन गई। अच्छा, डबल 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 के पीछे का हिस्सा चौड़ा हो गया, आगे का पतला हो गया, तो कभी भी निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं जी। आप सामने देख रहे हैं उसमें भी होल किया जा रहा है, और साथ के साथ पानी डाला जा रहा है उसमें, ताकि ये गर्म ना हो इस वजह से मशीन, दरअसल जो हमारी बिट होती है ताकि वो कम से कम घिसे और काम जल्दी हो जाए, काम जल्दी हो जाए। अच्छा, ये तो हमारी बिट जब बहुत जल्दी घिसेंगी, बहुत जल्दी घिसेंगी, जब कॉन्क्रीटिंग होगी ना तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट पकड़ जिसे बोलते हैं, कि नाम मात्र के लिए हिलने की कोई संभावना नहीं होगी, जहाँ जहाँ जिस सामान की जरूरत है ना जी, वो पूरा पूरा लगाया जा रहा है, पूरा पूरा लगाया जा रहा है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, बस यही कोशिश है कि ये काम दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, बस वन टाइम ओनली। सीरियसली कहूँगा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंगली, यू नो इस टाइम पर 12 बज रहे हैं और 12 बजे पर बिल्कुल सेंटर पे जिसे कहते हैं ना सूरज है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आपको सारे अभी अपडेट दिखा रहा हूँ मैं, और आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि देख रहे हो काम होते कुंड का चालू है, और यहाँ पे जितने भी आपने देखे हैं ना उनमें स्क्रूज लगाए जा रहे हैं, जैसे कि सर ने आपको बताया, अभी सर ने दिखाया भी ये सारे, और उधर वहाँ पे फिलिंग हो रही है, साइडों में मिट्टी से दबाया जा रहा है ताकि जो ये स्टोन्स हैं ये आगे ना गिरे। तो यहाँ पे काम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रहा है प्रभु कृपा से मोतीकुंड का। टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बस आप सभी से कहूँगा कि जो आपको सामने जो डिटेल्स शो हो रही है हमारी ट्रस्ट की, सो प्लीज़ इस पर आप हमें सेवा दीजिए भगवान श्री कृष्ण के, प्रभु के मोती कुंड के कार्य के लिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोती बोए थे उस कुंड को बनाने के लिए आप हमें सहयोग कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास सहयोग बहुत लिमिटेड मात्रा में आ रहा है, और इनफैक्ट सहयोग उस लेवल में नहीं आ रहा है जिस लेवल में हमें आवश्यकता है। तो ब्रज की अन्य सेवाओं के लिए आप थोड़ा सा समय बाद आप सेवा कर लीजिएगा, क्योंकि यू नो पूरा साल आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन कुंड के कार्य के लिए हमारे पास 10 से 15 दिन का टाइम है, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यू नो वो भी मैक्सिमम 12-13 दिन है बस। तो प्लीज़ हमें सहयोग करें, डिटेल आपको शो हो
रही है बेस्ड धाम सेवा ट्रस्ट। आप हमें यहाँ पे सहयोग करें मोती कुंड के कार्य के लिए, और सारे अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। इस वीडियो में आपने देखा, इस अपडेट में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट अपडेट में आपको जो स्टोन्स हैं वो सारे आपको लगे हुए मिलेंगे, और ये आपको जैसे कहते हैं ना, देखो आपके सामने हैं सारे पत्थर लग चुके हैं, और जो कुंड का बेसिक जो हमारे जिसमें पानी हमेशा रहेगा वो निकल के आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अगर प्रभु ने चाहा तो आपको इसमें कॉन्क्रीटिंग जो है वो फिल होते हुए दिख जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ बड़ा ही देखने को मिलेगा प्रभु कृपा से। जिस प्रकार अभी आपने देखा उसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा अपडेट आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ हमें सेवा ज़रूर दीजिए प्रभु स्थली के लिए, प्रभु के मोती कुंड के कार्य के लिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहते हैं मोती बोए थे। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डिटेल आपको शो हो रही है आप हमें उसमें सेवा दीजिए। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी वीडियोज़ थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी ना मैं बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहा हूँ एडिट के लिए, कोई भी वीडियो एडिट के लिए। हालांकि शूट हो रहे हैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, लेकिन एडिटिंग का बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़रूर आइए यहाँ पे सेवा दीजिए, और यहाँ पे अपने जैसे कहते हैं जो भी आप सेवा देना चाहे किसी भी रूप में आप सेवा देना चाहे, शारीरिक रूप में आना चाहें आप तो अपनी सेवा शारीरिक रूप में भी दे सकते हैं। बहुत जल्दी मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको कैसा लगा मोती कुंड का अपडेट, मोती कुंड का कार्य, जो कि मैंने आप सभी से कहा था कि बहुत जल्दी आपको बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा प्रभु की कृपा से, और ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा, और जो यहाँ पे कमलाकांत दास जी महाराज जी थे उनके सहयोग से, उनकी कृपा से ये कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। आप सभी का सहयोग हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। मिलूंगा बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम की वीडियोज़ ऐसी आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को प्रभु स्थली से, मोती कुंड से, राधे राधे।